मॉम्स फाउंडेशन के तत्वावधान से एवं संस्थापक अध्यक्ष सनी फ्रांसिस की अगुवाई में सुबह 9 बजे जसवंत तुले सिनेमाघर में श्रीकांत पुला इनके जीवन पर आधारित श्रीकांत इस प्रेरक सिनेमा का फिल्मांकन दिव्यांग बच्चों के लिए किया गया। गौरतलब है कि मॉम्स फाउंडेशन के माध्यम से इस फाउंडेशन के संस्थापक सनी फ्रांसिस अपने साथियों की सहायता से अनेक उपक्रमों के तहत समाज के निराधार तबके को उज्जवल बनाने में सहयोग देते हैं। इसी श्रृंखला में आज आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का हौसला बुलंद किया गया। फिल्म की विशेषता के विषय में बात करें तो हमारे देश के बड़े ही प्रसिद्ध प्रेरणादायक दिव्यांग श्री श्रीकांत बुल्ला के जीवन पर आधारित मूवी जो कि 10 तारीख को रिलीज हुई, जिसका अहम किरदार बॉलीवुड हीरो राजकुमार राव के द्वारा निभाया है, जहां उन्होंने अपने शारीरिक विकलांगता को हराकर सफलता के आसमान को छुआ है। इस कार्यक्रम में लगभग 300 से अधिक बच्चों ने सहभाग लिया, जहां सनी फ्रांसिस अब तक 14 मूवी दिखा चुके हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों ने ऐसी मूवी को देखकर अपनी जिंदगी में कुछ करने का जज्बा लाया है। इस समय मौजूद दिव्यांग बच्चों ने इस फिल्म के माध्यम से प्रेरणा ली है, जहां महानगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई वातानुकूलित बस में बच्चों को सिनेमा घर में लाया गया और पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा मुहैया कराई गई। इस समय दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। के वजह से अलग परिवर्तन मिला और क्या है, सभी लोग ने जो ब्लाइंड बच्चों को देखते हुई थोड़ी उसको संधि देके ब्लाइंड बच्चों को आगे बढ़ाई, ये हमारी प्रेरणा। इन बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि यदि मन एवं मस्तिष्क की सक्षमता है तो यकीनन शरीर की विकलांगता विकास में रुड़ा नहीं बन सकती। बहरहाल मॉम्स फाउंडेशन द्वारा उठाए गए इस सराहनीय कदम से यकीनन दिव्यांग बच्चों को आनंद एवं हौसले की प्राप्ति हुई है। इन बेसन न्यूज के लिए मनीष टेमरी की रिपोर्ट।